हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साक्षी सविता ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आप जैसे कि देख रहे हो, मैं यहाँ पर फिरोजपुर जिरका के बस स्टैंड पर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि नक्श के पापा गाड़ी से मुझे और बच्चों को सामान को यहाँ पर छोड़ गए थे और वो गाड़ी खड़ी करने घर चले गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। ये होली वाले दिन की बात है, मैं आ गई थी भरतपुर और यहाँ पर बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि 16-17 तारीख से फिर से स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, तो इसीलिए नक्श भी बोल रहा था नानी के चलने की। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक लड़की, पता नहीं ये पागल थी या फिर पता नहीं कोई ऐसे ही इसको छोड़ गया यहाँ पर बस स्टैंड पर, और धूप इतनी ज़्यादा तिलमिलाती पड़ रही थी दोस्तों, और बेचारी ये यहाँ पर लेटी हुई थी। इसको किसी अच्छे मतलब इंसान ने, बेचारे ने पानी भी पिलाया था इसको, और पानी पिला के धूप में लेट गई थी, शायद इसको बुखार आ रहा था। और यहाँ पर हम बस में बैठ गए हैं और ये 3 बजे चलती है फिरोजपुर जिरका से दोस्तों, सीधे भरतपुर जाती है और वहाँ से दूसरे दिन 4 बजे लौट के आती है। हम बस में ही गए थे, गाड़ी लेके नहीं गए थे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ख़राब हुई है, इसीलिए सोचा। इसके पापा बोल भी रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, हरियाणा रोडवेज सीधी जाती है, इसमें रुकती भी नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं होती है, बस ये चप्पों की बात है दोस्तों। मेरी बेटी की प्रॉब्लम की वजह से ही मैं बस में कभी नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बस की भी बस में भी कुछ याद नहीं आ रहा दोस्तों, क्या बोलते हैं, मतलब बस में भी यात्रा करना अच्छा होता है, कभी कभी कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है, और इसीलिए बस में चले गए थे। और इसके पापा देखिए टिकट कटा रहे हैं, और यहाँ पर हम आधे रास्ते पहुँच गए थे। मैं आपका पहाड़ का व्यू दिखा रही हूँ, दिन ये दोपहर 3 बजे की बात है दोस्तों, देखो मिट्टी खा रहा है। और दोस्तों थोड़ी दोपहर हो रही थी, लेकिन हवा ठंडी लग रही थी, फुल एंजॉय करते हुए हम बस में हमने हमारी यात्रा शुरू कर दी है, और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों बस में बैठे हैं दोस्तों, इसीलिए कभी कभी चले जाना चाहिए, बस का भी मज़ा ले लेना चाहिए। और यहाँ वेलकम बैक माय साक्षी सविता ब्लॉग, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ आज, कल शाम को मैं आई थी, हाँ मम्मी, कल शाम को दोस्तों मैं आ गई थी 3 बजे की बस से, और ये मुझे छोड़ने आए थे और छोड़ कर भी ये चले गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए चप्पू खेल रही है, और मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, यहाँ पर सारा काम अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर बन गई है छाछ, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बन गई है छाछ, और यहाँ पर ये सफाई अच्छे से हो गई है पूरी, और यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ बाहर मम्मी बना रही है रोटी और सब्जी दोस्तों। और मैं इस घी को मैं निकाल लूँगी, काफ़ी दिनों बाद मुझे मक्खन खाने के लिए मिला है दोस्तों, बहुत टाइम बाद मक्खन खाने के लिए मिला है। और मम्मी ने इसमें मक्खन रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं लौनी घी, इसको लौनी घी बोलते हैं हमारी भाषा में। और आपको मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगी अभी, मैं पहले मेरी बेटी के लिए दूध पिला देती हूँ, और बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पर आकर, मुझे खुले खुला में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर दोस्तों मम्मी बना रही हैं चूल्हे की रोटियाँ, और जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है चूल्हे का खाना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, गैस मजबूरी होती है खाना खाने के लिए वहाँ पर, और यहाँ पर मम्मी चूल्हे पर ही खाना पीना बनाती हैं। और यहाँ पर मम्मी पानी की हाथ की रोटी बना रही हैं, हा हा दोस्तों आनंद ही आ जाता है। और ये देखिए कटोरी में रखा है लौनी घी, जो गाय का निकला हुआ मक्खन है, और इसको मतलब सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों इसमें तो खाने की, लौनी घी रखें रोटी पर।
और खा जाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अलग ही मज़ा है दोस्तों इस खाने में, देसी खाने में। और यहाँ पर देखिए कितनी हरियाली हरियाली दिख रही है, और ये सुबह का टाइम है। मम्मी ने सुबह खाना चूल्हे पर ही बना लिया था क्योंकि बाद में धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज। और ये देखिए इस तरह से मम्मी रोटी को सेक रही हैं चूल्हे में, और बहुत जल्दी खाना बनने वाली, ये एक तरीका ऐसे बोल सकते हैं मशीन है, बहुत जल्दी खाना इस पर बनता है दोस्तों। और ये पेट भी नहीं दर्द कराता, कितना भी कितनी भी रोटी खाओ कभी पेट में दर्द भी नहीं होता, और जल्दी पच जाती है। गैस की रोटी तो फिर भी थोड़ी गैस कब्ज बना देती हैं, लेकिन ये रोटियाँ बिल्कुल भी गैस कब्ज नहीं बनाती दोस्तों। और मेरी मम्मी के हाथ की रोटी सब्जी तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खाना बनता है। और यहाँ पर मैं ऊपर का सारा काम कर ली थी, और यहाँ पर दोस्तों बहुत काम निकलता है आपको पता ही है, मम्मी ने भैंस वगैरह रखी हुई हैं इसीलिए तो टाइम लग जाता है, सारा काम मम्मी अकेले करती हैं, सोच के देखिए कितना टाइम है। और ये देखिए सिकरी पर रख गर्म हो रहा है दूध, और इस दूध की तो आप तुलना प्रसन्न मतलब पीना पेट भर जाएगा दोस्तों, लेकिन थकोगे नहीं, इतना टेस्टी लगता है सिकरी का ओटा हुआ दूध तो उसकी बात ही अलग है, और उसमें ऐसी अलग ही खुशबू हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर हमारी सफाई हो गई थी, मम्मी नीचे से धोने में लगी हुई थी, और यहाँ पर मैं चूल्हे पर भी सफाई कर रही थी। और ये देखिए चूल्हा कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। और वैसे तो दोस्तों हम भरतपुर जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन जहाँ हम रहते हैं हमारे घर खेतों में बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में और बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हों, बहुत ही अच्छा मन लगता है दोस्तों यहाँ पर। और ये चूल्हे के सामने एकदम मतलब पेड़ बोए हुए हैं मम्मी ने, तो यहाँ पर इतनी अच्छी छाया भी लगती है, छाया में बैठ के जैसे ऐसे लगता है कि कहीं जंगल में जाके आप खाना पीना बना रहे हो। और ये मम्मी की छोटी सी रसोई जो मम्मी देसी तरीके से यहाँ पर खाना बनाती हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब टेस्टी खाना बनता है। और चूल्हे के खाने की तो आप तुलना भी नहीं कर सकते कितना टेस्टी लगता है। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं आपको लाती रहूँगी। और यहाँ पर हम झटपट से काम कर लेंगे, और ये मम्मी लगी हुई है नीचे सफाई करने में। मेरी मम्मी बहुत साफ़ सफाई से खाना पीना सब